मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है किसका, 32 का. अब देखिए बेटा, जब हमने स्क्वायर नंबर्स की डेफिनेशन देखी तो उसमें हमने एक बात ये कही थी कि नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्शन. अगर हमें कोई स्क्वायर नंबर निकालना है तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो अगर हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है 32 का, अगर हमें 32 का स्क्वायर निकालना है तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 अगर हम करेंगे तो इसका आंसर 1024 आएगा. एक तो हमारे पास बेटा ये वाला मेथड है. इसके अलावा एक अल्टरनेट मेथड है जो कि हम पार्ट नंबर सेकंड में अप्लाई करेंगे, तो वो देखते हैं. वो क्या है, हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड है वो है 35. हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इसका, 35 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए बेटा, 30 जो हमारा बनेगा वो 30 प्लस 5 में हमने इसका बना दिया स्क्वायर. तो यहाँ पर हम जो 35 का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो वो विदाउट मल्टीप्लिकेशन. अगर क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस में हमने कैसे करना है, 30 प्लस 5 35. अब देखिए, आपको आइडेंटिटी 27 में भी पता होगी कि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, वो होती है हम यहाँ लिख रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, अब यहाँ पर जो a है वो है 30 और जो b है वो है 5. यानी a स्क्वायर मीन्स 30 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5. ठीक है, 2 इंटू 30 इंटू 5. अब मैं एक बार आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ, इससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा, 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5. अब इसमें आ गया हमारे पास 900 और इसमें हमारे पास आ गया 25 और इसमें हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर हमारे पास आ गया 300. अब हमने 900 प्लस 300 प्लस 25 इन तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया ये 900 प्लस 300 1200, यानी 1225 जो है वो स्क्वायर आ गया. किसका स्क्वायर आ गया, 35 का स्क्वायर आ गया 1225. तो एक मेथड हमारे पास ये है कि अगर क्वेश्चन में हमें ये बोला हो कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट मल्टीप्लिकेशन, अगर सिंपल क्वेश्चन ये है कि फाइंड द स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं है बच्चे, स्क्वायर है हमने, तो इस पर हमें खाली ये बोला हो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर, तो इसमें हम कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो हम 35 मल्टीप्लाई बाय 35 भी कर सकते थे, 35 मल्टीप्लाई बाय 35 भी कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास जो स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनता है कि अ नंबर मल्टीप्लाई बाय एक्शन, जो कि हमारे पास 1225 आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारे को एक फर्स्ट मेथड जो है वो ये है हमारा, और सेकंड मेथड जो है यूजिंग आइडेंटिटी हमने करा, ये हमारा सेकंड मेथड है अगर तुमने विदाउट मल्टीप्लिकेशन बोला है तो. ठीक है, आई होप कि आपको ये जो है दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे बेटा, कोई डाउट नहीं होगा. इसके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद ट्राई कर सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हूज वन मेंबर इज 6. ठीक है, अब यहाँ पर हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है वो फाइंड आउट करनी है. अब अगर आपको याद हो कि जब हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी करी थी तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था 7th क्लास में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी करी थी, जो कि किसमें फॉलो होती है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में फॉलो होती है. तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो सेम ऐसे ही जब यहाँ पर पाइथागोरस
गोरियन ट्रिप्लेक्स, वो बेटा हमारे पास कौन कौन से हो गए इसके अकॉर्डिंग, वो हो गया फर्स्ट नंबर सिक्स, सेकंड नंबर ए एंड थर्ड नंबर जो हो गया वो हो गया टेन। अब इसमें जो टेन का स्क्वायर होगा ना बच्चे, यहाँ पर ये चीज समझिएगा, जो टेन का स्क्वायर होगा वो कैसे होगा हंड्रेड। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि बड़े नंबर का जो सम का, जो बड़े नंबर का स्क्वायर है वो दोनों छोटे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए हंड्रेड इक्वल्स टू 36 प्लस 64। अब यहाँ पर 136 प्लस 64 ये भी 100 आया है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी ठीक है कि पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चे, सेकंड पार्ट हमारे पास है 14, यानी इसमें जो हमें एक मेंबर गिवन है, एक जो मेंबर गिवन है वो क्या है 14। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट एम टू एम इक्वल्स टू 14 गिवन है, तो एम की वैल्यू हमारे पास 14 अपॉन 2 यानी 7 हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट अदर मेंबर हो गया एम स्क्वायर माइनस 1 यानी 7 स्क्वायर माइनस 1 जो कि हमारे पास क्या हो गया 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48 एंड नेक्स्ट हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 यानी 7 स्क्वायर प्लस 1 यानी 49 प्लस 1 जो कि हमारे पास 50 हो गया। तो अब हमने इसमें देखिए क्या फाइंड आउट किया कि एक जो मेंबर है वो 14 है, सेकंड 48 है एंड थर्ड जो है वो हमारा 50 है। तो पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स आर 14, 48 एंड 50। आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा बच्चे अच्छे से कि हमारे पास जो ये ट्रिप्लेट्स आए वो कौन से आ गए, पाइथागोरियन ट्रिप्लेट 14, 48 एंड 50 ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज जो है बेटा वो हमारी कंप्लीट हो गई। आप रिमेनिंग दो पार्ट्स जो है आप इसके कर सकते हैं।